हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम, जो भी आपका टीचिंग का एग्जाम है, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर 5। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी भाषा सीखने में ग्रामर का क्या रोल होता है, व्याकरण का क्या एक वहां पे महत्व है, और जितने भी आपके प्रश्न इंग्लिश पेडागॉजी में इस टॉपिक से आते हैं उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। टॉपिक वाइज हम यहाँ पे सीटेट की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ या अगर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, यू कैन ज्वाइन टू द टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आई शेयर नोट्स एंड पीडीएफ्स जो भी है वहां पे मैं शेयर करती हूँ, तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन। ओके, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आप पूरा जरूर देखिएगा, इनकेस आपको लास्ट में कोई भी डाउट रह जाता है तो लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स आफ्टर दैट। ओके, सो रोल ऑफ ग्रामर में सबसे पहले हम ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ ग्रामर और क्या मेथड्स होते हैं ग्रामर को पढ़ाने के अगर हम भाषा की बात करें। सबसे पहले ग्रामर देखते हैं, तो ग्रामर की एक डेफिनेशन है कि लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ कन्वेइंग आवर आइडियाज टू द माइंड्स ऑफ अदर पर्सन्स एंड द ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का जो ग्रामर होता है इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इट एंड द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर प्रॉपर यूज टू इट। अब ये बड़ी ही टेक्निकल डेफिनेशन है, बट इसको समझना जरूरी है कि ग्रामर का स्पेशली काम क्या होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ग्रामर के अंदर आते हैं। आपको पता है कि भाषा एक क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। उस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, इफ वी नीड टू यूज आर एक्सप्रेसिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स, उसके लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो ग्रामर बेसिकली क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। जो भी आपके नियमबद्ध व्यवस्था है उसको ग्रामर कहा जाता है। ग्रामर में आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स एज इन जैसे कोई सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम ये स्ट्रक्चर को सीखते हैं और इसके अकॉर्डिंग जब हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं या बोलते हैं, तो ये बेसिकली आपका ग्रामर का एलिमेंट है। तो ग्रामर में स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टम ऑफ रूल्स हैं, हमारे ग्रामर में बहुत सारे हमारे फॉर्म्स होते हैं भाषा के, ठीक है। तो कई बारी साउंड फॉर्म है, कई बारी वर्ड फॉर्म है, सेंटेंस के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फिर एक और डेफिनेशन है, चैंपियन सेज ग्रामर इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय स्पेशलिस्ट मेड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर फॉलोड मोर और लेस unconsciously और instinctively by the native speakers, यानी कि जो native speakers के द्वारा use किया जाता है। It is a study of language by specialist और grammar consists of certain rules and that is these rules that govern the system of language। सिंपल सी वही कहानी है इसमें ग्रामर के बारे में। अगर हम एक ओवरऑल एक आइडिया ले तो ग्रामर बेसिकली क्या है, आपका सिस्टम ऑफ रूल्स है। हम यहाँ पे नियमों को समझते हैं जो कि पूरे भाषा को गवर्न करता है, यानी एक भाषा में ग्रामर होना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। याद रखना कि विदाउट ग्रामर देर इज नो लैंग्वेज। हर भाषा की, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर, ये याद रखना, ठीक है। तो एवरी लैंग्वेज हैज ग्रामर, कोई भी ऐसी दुनिया की भाषा नहीं है जिसका अपना व्याकरण नहीं होता है। तो हर भाषा की अपनी एक क्या है, खुद की व्याकरण होती है और रूल्स जो हैं वो आपके ग्रामर के अंदर आते हैं। तो इतना काफी है, इससे ज्यादा बहुत ऐसा थ्योरेटिकली हमें नहीं पढ़ना है। ये जो नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करूंगी, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो हमें समझना है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो टाइप्स ऑफ ग्रामर में सबसे पहला, दो टाइप के हमारे यहाँ पे ग्रामर है, मैंने अलग अलग इनको कैटेगराइज किया है। एक कैटेगरी ऐसी आपकी आती है जिसमें डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव दोनों तरह की ग्रामर पूछी जाती है। तो इसमें यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर सम कीवर्ड्स, उसके बाद आप कर लोगे। जैसे अगर मैं प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करूं, तो
प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है? इट इंक्लूड्स द रूल ऑफ गुड यूसेज ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का यूसेज जहां आ जाता है, जहां उसका उपयोग आ जाता है। तो प्रिस्क्रिप्टिव क्या है? जहां पे आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को यूज की बात कर रहे हैं। हाउ द रूल्स और करेक्टनेस शुड बी लेड डाउन एंड हाउ लैंग्वेज शुड यूज देम। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे इट स्टडीज दैट हाउ द रूल्स ऑफ करेक्टनेस, यानी यहाँ पे हम सटीकता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रूल्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट फोकसेस ऑन हाउ लैंग्वेज एंड इट्स ग्रामर रूल्स शुड बी यूज्ड। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर किस पे फोकस करता है कि किसी भी भाषा के अंदर उसके ग्रामर के रूल को कैसे उपयोग किया जाएगा। सपोज आप लिखना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, तो जब हम इस चीज की स्टडी करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि कोई भी रूल जो है हाउ इट शुड बी यूज्ड एंड एक अच्छी ग्रामर क्या है, एक प्रॉपर उसका जो पैटर्न है, जो यूसेज है, उसकी बात हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर करते हैं। तो इट हेल्प्स टू गिव एन आइडिया अबाउट हाउ अ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, मतलब एक भाषा को कैसे यूज होना चाहिए। बेसिकली ये फोकस करता है कि अगर आप भाषा को यूज करना चाहते हैं तो कौन कौन से सही उपयोग हो सकते हैं। इसमें भी हम रूल की बात करते हैं एंड देन हम फोकस करते हैं एक अच्छी ग्रामर पे। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव को हम फंक्शनल भी बोल सकते हैं एंड ये बेसिकली क्या है, इट स्टडीज हाउ अ लैंग्वेज इज यूज्ड इन डेली लाइफ। देखो यहाँ पे डेली लाइफ में यूज की बात हो रही है, इंक्लूडिंग बोथ स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड वेराइटीज। इट इज मोर ऑफ अ साइंटिफिक थियरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ लैंग्वेज वर्क्स। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर डज नॉट कंसिडर देयर टू बी राइट और रॉन्ग लैंग्वेज। अब देखो दोनों के अंदर आप देखेंगे रूल की बात हो रही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो ये ध्यान रखना कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है वो ये बताता है, इस चीज की स्टडी करता है कि हाउ अ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन अ डेली लाइफ सिचुएशंस, या हम इसको कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में भाषा को आप कैसे वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा बिटवीन प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर ज्यादातर आपके फॉर्म्स और रूल्स की बात करता है, जब हम उसको रूल्स को सीखने की बात करते हैं या हम उसको एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको अप्लाई करने की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज मोर ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, कुछ और हमारे टाइप्स होते हैं जिसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट में ये पूछा जाता है, इसको कहते हैं डेक्लेरेटिव ग्रामर या फिर कभी कभी आता है डेक्लेरेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो अगर आपसे एग्जाम में डेक्लेरेटिव नॉलेज आ जाए या डेक्लेरेटिव ग्रामर आ जाए तो दोनों ही सेम है। और इसको बात करते कि डेक्लेरेटिव क्या होता है, तो डेक्लेरेटिव नॉलेज कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ नोन फैक्ट्स एंड एक्टिव गोल्स। डेक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब क्या होता है, ऐसा ज्ञान जहां पे आपके पास बहुत सारे फैक्ट हैं और आपके बहुत सारे क्या है, गोल्स हैं। अब अगर हम ग्रामर की बात करें तो डेक्लेरेटिव ग्रामर में ग्रामर किस तरह से पढ़ाई जाती है या किस तरह से एक इंफॉर्मेशन वहां पे आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो डेक्लेरेटिव एनकोडिंग इन लर्निंग ग्रामर मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल इज प्रोवाइडेड यूजली थ्रू इंस्ट्रक्शन। यानी कि यहाँ पे टीचर कोई भी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है, सपोज एक टीचर है जो बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है ऑन द डेली बेसिस, वहां पे अगर हम रूल पे बहुत फोकस करें, हम वहां पे बहुत ज्यादा थ्योरी पे फोकस करें तो वो आपका डेक्लेरेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं रूल पे, फॉर्म पे, थ्योरी पे फोकस करके अगर मैं ग्रामर का नॉलेज देती हूँ, इस तरह की नॉलेज मेरी डिक्लेरेटिव होती है। द एम इज फॉर अ लर्नर टू डेवलप द लैंग्वेज स्ट्रक्चर। इसका मेन एम क्या होता है कि हम भाषा के अंदर, ग्रामर के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सो देर आर 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर जिसको सिखाने पर फोकस किया जाता है। और एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको सिखाने पे, फॉर्म पे, रूल पे बहुत फोकस किया जाता है। तो देयर आर सम कीवर्ड्स जैसे कि रूल है, थ्योरी है, फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, इसको किया जाता है, ठीक है। इट इनेबल्स अ स्टूडेंट टू डिस्क्राइब अ रूल ऑफ ग्रामर, यानी बच्चों को यहां कहा जाता है कि किसी भी रूल को डिस्क्राइब करें।
एंड अप्लाई, यहाँ पे रूल को अप्लाई किया जाता है, लेकिन कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे रूल को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करवाया जाता। यहाँ पे बच्चे अप्लाई करते हैं उस ग्रामेटिकल फॉर्म को, उस स्ट्रक्चर को, इन स्ट्रक्चर्ड एंड पैटर्न प्रैक्टिस ड्रिल्स। यानी कि क्लासरूम, आप देखेंगे क्लासरूम के अंदर आपने कोई बच्चों को थ्योरी सिखाई, आपने मान लीजिए आपने टेंसेस के वहां पे रूल सिखा दिए। अब वो टेंसेस के रूल को सिखाने के बाद आप उनको बहुत सारे ड्रिल करवा सकते हैं, बार 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 उनको कोई प्रैक्टिस कराना, एक्सरसाइजेस के थ्रू आप उनको कोई होमवर्क दे सकते हैं। तो जब बच्चे वहां पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से उस रूल को अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे, इस तरह के नॉलेज को हम डिक्लेरेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर बोलते हैं। यानी कि इट मीन्स एस्टेब्लिशिंग नॉलेज ऑफ ग्रामर रूल्स और पैटर्न्स इन लर्नर्स माइंड। यानी हम माइंड में कॉग्निटिव तरीके से बहुत ज्यादा बच्चों को ड्रिल करवा के उनके माइंड में कोई ज्ञान को फिट किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पैटर्न को सीखते हैं बच्चे एंड उनके माइंड में वो एक जो एक एसोसिएशन है वो वहां पे क्रिएट होता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका जिसको कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज जो है, ये वर्ड कहाँ से आया, आपके प्रोसेस वर्ड से आया है। तो जब हम प्रोसीजरल या प्रोसेस की बात करते हैं तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा हमें पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी ग्रामेटिकल नॉलेज है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। सो प्रोसीजरल नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म फंक्शंस इन यूज एंड अप्लाइंग द सेम। यानी कि यहाँ हम इस चीज की बात करते हैं, हमारा मेन फोकस इस चीज पे रहता है कि जो भी ग्रामेटिकल फॉर्म बच्चों ने सीखा, जो बच्चों ने स्ट्रक्चर सीखा, जो बच्चों ने रूल सीखा, वो कैसे फंक्शन करता है रियल लाइफ में, और उसको हम अप्लाई कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इट इज द नॉलेज ऑफ हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्किल। प्रोसीजरल का मतलब ही यही होता है, जैसे हम किसी गाड़ी को चलाने के लिए पहले हम उसकी थ्योरी सीखते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए आपको ऐसे ऐसे चार स्टेप है, इन स्टेप से आपको एक कार चलानी है। लेकिन जब आप रियल में कार या बाइक चलाते हैं, तो जब आपने उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अपनी अपनी लाइफ में अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन को हम प्रोसेस या प्रोसीजरल कहते हैं। तो ये बेसिकली है कि हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्किल और टास्क इज कंसिडर्ड नॉलेज रिलेटेड टू मेथड्स। इसको हम मेथड रिलेटेड टू मेथड्स या प्रोसीजर्स या ऑपरेशन या इक्विपमेंट कह सकते हैं। जैसे हम किसी भी चीज के को अगर हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका एक प्रोसेस हो सकता है, एक मेथड हो सकता है, ठीक है। तो प्रोसीजरल नॉलेज ज्यादातर आपके इससे रिलेटेड होता है। एंड प्रोसीजरल नॉलेज इन लैंग्वेज हेल्प्स लर्नर टू लर्न ग्रामर एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड अप्लाई इट व्हाइल कम्युनिकेटिंग। अब देखो यहाँ पे प्रोसीजरल नॉलेज वो नॉलेज है जहां पे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ग्रामेटिकल नॉलेज को व्हाइल कम्युनिकेटिंग। जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तब वो इस भाषा को या इस ज्ञान को अप्लाई करते हैं। यानी मान लीजिए टेंसेस उन्होंने जो सीखा था, मैं यहाँ पे इस वाले नॉलेज में टेंसेस का ज्ञान मैं सिर्फ यहाँ पे उनको एक्सरसाइज में कॉपी में दे रही थी, उनको अप्लाई करवा रही थी एक्सरसाइज के थ्रू। लेकिन यहाँ जब बच्चे रियल लाइफ में अपने घर में अपने फैमिली में जब वो इन टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस को बोलना सीख जाते हैं, अब वो वाक्यों को अपनी रियल लाइफ में अगर वो अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो इस तरह के नॉलेज को हम प्रोसीजरल नॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजरल हो गया। नेक्स्ट आता है एक और ग्रामर जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल ग्रामर। अब स्ट्रक्चरल में आपको सबसे पहले ये वर्ड जानना है कि स्ट्रक्चरल क्या होता है। और स्ट्रक्चरल वर्ड मैंने बताया, जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर सिखाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सिखाने पे फोकस करते हैं। और स्ट्रक्चरल ग्रामर की बात अगर हम करें तो इट वाज फाउंडेड बाय एन अमेरिकन लिंग्विस्ट सी फ्राइज। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था और पहले के पेपर में भी आया है कि स्ट्रक्चरल ग्रामर के फाउंडर कौन है। तो वैसे तो चॉमस्की भी आते हैं इसमें, लेकिन अगर हम ऑफिशियल आंसर की बात करें तो फ्राइज को माना जाता है। तो इसके फाउंडर है सी फ्राइज। इट पुट्स एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चरल ग्रामर वो ग्रामर है जहां पे हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिखाते हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म सिखाते हैं, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है. हो सकता है मैं नेगेटिव सेंटेंस बच्चों को बनाना सिखाऊं, फिर मैं उनको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊं, फिर उनको मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिखाऊं, फिर मैं उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलना सिखाऊं. तो इस तरह के अलग अलग जो आपके सेंटेंसेस के टाइप हैं, इनको हम स्ट्रक्चर के थ्रू, ये जो स्ट्रक्चर है इसके थ्रू हम सिखाते हैं, वाक्यों को बनाना सिखाते हैं. तो ये बेसिकली आपके फॉर्म पे और रूल पे फोकस करता है. फिर एक आपका आता है ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर. ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वॉज गिवन बाय चॉम्स्की. चॉम्स्की ने दिया. और ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर का मतलब क्या होता है कि हम अपने इनेट एबिलिटी को लेकर के आते हैं. चॉम्स्की कहते हैं कि हमारे अंदर एक एक क्षमता है, एक जन्मजात या इनेट कैपेसिटी है जिसको LAD बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. उस डिवाइस, जो हमारा डिवाइस है यानी जो हमारी एबिलिटी है, उस एबिलिटी की मदद से हम आगे चल के अपने जीवन में जब भी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो वहां पे हम ग्रामर के रूल्स को क्या करना सीखते हैं, जनरेट करना सीखते हैं. जनरेशन मतलब एक डिस्कवरी करना सीखते हैं. तो ये बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर में कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की मदद से, जो हमारी इनेट एबिलिटी है उसकी मदद से हम ग्रामर के रूल को जनरेट करते हैं. और इसी को ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर बोला जाता है. और अगर हम यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स देखें इस तरह की ग्रामर में, तो फोनोलॉजिकल हो सकता है, जिसमें आपके साउंड आ गए. क्योंकि जब आप कोई ग्रामर सीखते हैं, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलना या लिखना सीखते हैं, तो उसमें आपके साउंड आ जाते हैं जब आप बोलते हो. सिंटैटिक का मतलब होता है जो आपके रूल्स हैं, है ना, वो आ गए आपके. सिमेंटिक कॉम्पोनेंट यानी जो मीनिंग है, जो अर्थ की बात करे, है ना. तो यहाँ पे हम मीनिंग की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, वर्ड्स की भी बात करते हैं, रूल की भी बात करते हैं. तो ये दो तरह के ग्रामर हमने अभी डिस्कस किया. स्ट्रक्चरल ग्रामर, जहां हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को फोकस कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, जो कि चॉम्स्की ने दिया, और ये LAD की बात करते हैं. और ये कहते हैं कि इसी की मदद से हम ग्रामर के रूल को आगे चल के क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट आता है आपका प्लेस ऑफ ग्रामर इन स्कूल करिकुलम. अभी तक तो हमने जो भी 5-6 टाइप ग्रामर के आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है. और प्लेस ऑफ ग्रामर में ग्रामर का रोल क्या है, इसके बारे में 2-4 पॉइंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा अगर कुछ और पॉइंट है तो वो भी मैं एड ऑन कर दूंगी यहाँ पे. ठीक है, तो ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग. अगर हम भाषा के सीखने की बात करें तो एक्विजिशन से ज्यादा लर्निंग में ग्रामर का महत्व हो जाता है. ठीक है, इनिशियली हम ग्रामर कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़े लेवल पे जाता है तो हम ग्रामर को वहां पे एक्सप्लिसिटली पढ़ाने लगते हैं. ठीक है, और यहाँ पे है द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंग्लिश विच पीपल मस्ट बी एक्वेंटेड विद आर वर्ड ऑर्डर, टेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस ज्वाइंट, फिक्स नेचर ऑफ इडियम एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये चीजें बच्चे के लिए जरूरी होती है लर्निंग में, और ये ग्रामर से ही आती है. तो नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर विच पुट्स एम्फोसिस ऑन द फंक्शन. याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमने डिस्कस किया, जो फंक्शन पे ज्यादा फोकस करता है. फंक्शन का मतलब है कि हाउ टू यूज अ लैंग्वेज इन सिचुएशंस. तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो ग्रामर है जो यूज पे फोकस करता है. और हमें अगर हम स्कूल करिकुलम की बात करें तो स्कूल लेवल पे सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया जाना चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में से डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. इट शुड बी टॉट इंसिडेंटली. इंसिडेंटली होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर होना चाहिए. तो ग्रामर, एक क्वेश्चन आता है कि हाउ वी शुड टीच चिल्ड्रन ग्रामर. कैसे सिखाएंगे एट प्राइमरी लेवल, हाउ वी कैन टीच ग्रामर. तो वहां पे योर आंसर विल बी, इट कैन बी इंसिडेंटली और इट कैन बी कॉन्टेक्स्टुअली और इनफॉर्मली. ठीक है, ये तरीके हैं, या प्रोसीजरल तरीका हो सकता है, या फंक्शनल तरीका हो सकता है, या पेडागोजिकल तरीका हो सकता है ग्रामर को सिखाने का. ठीक है, इट शुड ऑक्यूपाई अ सेकेंडरी प्लेस. इसका सेकेंडरी प्लेस होना चाहिए. प्राइमरी प्लेस क्या होना चाहिए, जो अदर एस्पेक्ट है हमारे, जैसे हमारी जो स्किल्स हैं उस पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए. इट शुड फॉलो द लैंग्वेज एंड टीचिंग ग्रामर शुड ओनली स्टार्ट व्हेन पीपल्स एक्वायर सम कमांड ओवर द लैंग्वेज. हमेशा ग्रामर तभी स्टार्ट करना चाहिए हमें फॉर्मली, जब बच्चों ने थोड़ी बहुत कमांड लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर पा ली है, उसके बाद ही हमें ग्रामर को सिखाना चाहिए. ठीक है, और अगर हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट में या हमेशा संदर्भ में, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके ग्रामर को सिखाना चाहिए.
नेक्स्ट आते हैं, एक और आपका टाइप आता है फंक्शनल वर्सेस फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल और फंक्शनल में क्या अंतर है? तो देखो, अभी तक हमने स्ट्रक्चरल ग्रामर डिस्कस किया, हमने डिस्क्रिप्टिव ग्रामर डिस्कस किया, तो ये जो फॉर्मल ग्रामर है ये आपका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। मतलब जो स्ट्रक्चरल ग्रामर के गुण है, जो उसकी क्वालिटीज है, वो इसमें भी आती है। तो फॉर्मल यानी स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, कहीं ना कहीं काफी कुछ चीजें सेम है। फॉर्मल ग्रामर हो गया, या इसको हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी बोल सकते हैं, या इसको हम डिक्लेरेटिव ग्रामर भी बोल सकते हैं, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। तो फॉर्मल के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फॉर्मल ग्रामर की जब हम बात करें तो हमारा मेन फोकस डेफिनेशन पे होता है, मीनिंग पे फोकस नहीं होता है, एप्लीकेशन पे फोकस नहीं होता है। बच्चे यहाँ पे ग्रामर को बिल्कुल बाय हार्ट या क्रैमिंग करके सीख रहे हैं, मेमोराइज करके सीख रहे हैं। रूल्स पे बहुत फोकस यहाँ होता है ना, तो देर आर सम कीवर्ड, जैसे रूल पे फोकस होना, फॉर्म पे फोकस होता है यहाँ पे, और क्या हो सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर पे फोकस होता है, ठीक है, रूल फॉर्म स्ट्रक्चर, या फिर सिंटेक्स पे फोकस सबसे ज्यादा होता है, यानी सेंटेंस के फॉर्मेशन पे फोकस ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात करता है फॉर्म की, रूल की, ठीक है, और ये बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट तरीके पे फोकस करता है, तो एक्सप्लिसिट तरीके की टीचिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। एंड अगर हम फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फंक्शनल ग्रामर डज नॉट एम्फसाइज द फॉर्म द रूल्स ऑफ ग्रामर, ये रूल पे फोकस नहीं करता, बट फंक्शन ऑफ द वर्ड इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करता है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि संदर्भ में क्या पढ़ाने पे फोकस कहाँ होता है, तो फंक्शनल में हो सकता है। आगे थोड़ा सा फंक्शनल के बारे में और डिस्कस करूंगी, और इससे रिलेटेड आपको कौन कौन से वर्ड याद रखने। फंक्शनल से रिलेटेड आपको याद रखना है कि ये पैडागॉजिकल भी हो सकता है। तो कई बार पेपर में आता है पैडागॉजिकल ग्रामर, तो पैडागॉजिकल ग्रामर की जो क्वालिटीज है वो आपकी फंक्शनल की भी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसेस या प्रोसीजरल ग्रामर की, तो प्रोसीजरल ग्रामर में भी यही क्वालिटीज हमारी आ जाएंगी। तो फंक्शनल ग्रामर बेसिकली हमारे फंक्शन पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे फोकस किस किस चीज पे होता है, मीनिंग पे होता है, रूल पे फोकस ना होके ये कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करता है, ये हमारे संदर्भ पे या अर्थ पे फोकस करता है, ये भाषा के उपयोग पे फोकस करता है। यानी जो यूज है, जो भी फॉर्म्स होते हैं, जो रूल होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, उनके यूज पे फोकस यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन पे फोकस हो रहा है, इंटरेक्शन पे फोकस हो रहा है। तो ये आपके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ग्रामर को सिखाने के, वो आपके फंक्शनल में भी आते हैं। इसी को पेडागॉजिकल ग्रामर भी बोलते हैं, इसी को हम प्रोसीजरल भी बोल सकते हैं, जहां हम एप्लीकेशन की बात ज्यादा कर रहे हैं, जहां हम जो भाषा के रूल है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो ये आपका टॉपिक है, ये है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर को पढ़ाना है तो कुछ विधियों को यूज किया जाता है, कुछ मेथड्स को यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जहां पे बुक से पढ़ाई हो रही है, और ये बेसिकली रटने पे फोकस, क्रैमिंग बहुत ज्यादा करवा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हम बेसिकली ये देखते हैं कि बच्चे वहां पे लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड है जिसको चॉक एंड टॉक मेथड भी बोल सकते हैं, जो पुराना तरीका है चॉक एंड टॉक से पढ़ाने का, लेक्चर से पढ़ाने का, जहां आपने पहले ही रूल दे दिया, वो सब आपका ट्रेडिशनल तरीका है, जहां पे टेक्स्ट बुक ही मेन सोर्स होता है टीचर के पास, तो वो आपका ट्रेडिशनल ग्रामर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल ग्रामर। इनफॉर्मल ग्रामर क्या है? इट एडवोकेट्स द टीचिंग ग्रामर नॉट बाय रूल्स बट बाय यूसेज। यानी यूज पे फोकस होता है। इनफॉर्मल तरीके से हम ग्रामर को डेली लाइफ से रिलेट करके सिखाते हैं, और यहाँ पे हम सारे स्किल्स पे फोकस करते हैं। अर्ली ईयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिलेट करके सिखा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि इसमें हम सारे रूल्स नहीं सिखा सकते हैं, कुछ कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसको सिखाना मुश्किल होता है, और कई बार सिस्टमैटिक जो नॉलेज है वो बच्चों को नहीं मिलती है। कई बार टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मतलब एक टीचर के लिए भी बहुत बर्डन, लेबर का काम होता है। इसके अलावा बच्चों का भी टाइम बहुत ज्यादा है एक इस मेथड से सीखने में लगता है, जहां हम उपयोग पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि भाई जो भी आप ग्रामर के रूल सिखाओगे वो आप बाय यूज ही सिखाओगे, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं द रेफरेंस और कोरिलेशनल मेथड। नेक्स्ट मेथड होता है रेफरेंस मेथड या कोरिलेशनल मेथड, जिसको हम इंसिडेंटल मेथड भी बोलते हैं। तो तीन नाम है, रेफरेंस, कोरिलेशनल एंड इंसिडेंटल। इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली विच एम्फसाइजेस ग्रामेटिकल यूज ऑफ प्रैक्टिकल लॉज। अब यहाँ पे यूज करवा रहे हैं, अगेन यहाँ पे यूज की बात हो रही है। द टीचर फैसिलिटेट्स द स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग द डिटेल्ड कॉन्टेंट ऑफ अ सर्टेन टॉपिक टू कोरिलेट द इंसिडेंट्स एंड नॉलेज विद रियल लाइफ। द स्टूडेंट्स आर एबल टू डू एनालिसिस कंपेरिजन एंड कैन लिंक द प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज विद द न्यू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। कोरिलेशनल मतलब कोरिलेट करके सिखाना, जोड़ के सिखाना। यहाँ टीचर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, सुविधा प्रदाता है। यहाँ पे वो क्या करता है, पहले बच्चों को डिटेल कंटेंट दे देता है, जो उसको टॉपिक सिखाना है वो उसका कंटेंट बच्चों को देता है, मतलब जो टॉपिक उसको बताना है उसके बारे में थ्योरी दे देता है। थ्योरी को देने के बाद उसको रिलेट करता है उसकी रियल लाइफ से। सपोज मुझे टेंसेस सिखाना है तो मैं आपको एक पूरा टेंस का चार्ट दे दूंगी, उसके साथ साथ आपकी रियल लाइफ से उस नॉलेज को रिलेट करते हुए मैं सिखाऊंगी। तो इसी को हम रेफरेंस या कोरिलेशनल मेथड बोलते हैं। और यहाँ पे बच्चे एनालिसिस कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं, यहाँ पे अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ पाते हैं, प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज को दे आर एबल टू कनेक्ट विद द न्यू नॉलेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। कभी कभी अलग भी आता है, कभी कभी एक साथ भी आता है, बट यहाँ पे हम अलग अलग दोनों को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंडक्टिव और व्हाट इज डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले इंडक्टिव मींस प्रोसीड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू लॉ, यानी हम इस मेथड में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो शुरुआत हो रही है वो एग्जाम्पल से होती है, उस एग्जाम्पल को हम फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं, बाद में वी डू मेक जनरलाइजेशंस और वी जंप टू सम कंक्लूजन और वी मेक सर्टेन रूल्स। तो इस तरह की विधि जो है ये आपकी इंडक्टिव विधि है। और इंडक्टिव में सिंपल आपके स्टेप्स हैं, आपके सामने एक उदाहरण दिया गया। सपोज मुझे टेंसेस सिखाना था ग्रामर में, मैं पहले बच्चों को चार वाक्य दिखा दूंगी, चार तरह के सेंटेंस दे दूंगी जो अलग अलग टेंसेस से रिलेटेड है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के मैंने उनको चार सेंटेंस दे दिए अलग अलग। ठीक है, उसके बाद बच्चे चारों सेंटेंसेस को हो सकते हैं ऑब्जर्व करें, वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, चारों सेंटेंस को रीड करेंगे। रीडिंग करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे कि कौन सा वर्ब में कहाँ पे चेंज आया, किस टेंस में कौन सी वर्ब आ रही है, तो एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद वो खुद जनरलाइज करेंगे, खुद एक रूल निकालेंगे कि भाई टेंसेज में ना हम ये रूल यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एक पैटर्न जो है वो ये होता है। यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे के बच्चों को रूल सिखा रही हूँ। डिडक्टिव में क्या है, जहां पे हम लॉ से ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, इस ये बेसिकली आपका वेरिफिकेशन मेथड है। यहाँ केवल हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आपके सामने कोई रूल ऑलरेडी दे दिया जाता है एंड यू जस्ट नीड टू वेरीफाई योर रूल थ्रू सम ऑब्जर्वेशन और द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो रूल बेसिकली यहाँ पहले दे दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं तो आपका डिडक्टिव है जो रूल ड्रिवन है, जो टॉप डाउन तरीका है सीखने का। इंडक्टिव तरीका क्या है, जहां एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना यानी बॉटम अप तरीका है और ये एग्जाम्पल ड्रिवन प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगर ग्रामर को पढ़ाने की बेस्ट मेथड आपसे पूछा जाए तो द बेस्ट मेथड विल बी इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जो है वो ग्रामर को सिखाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वी विल एंड दिस क्लास। इस टॉपिक से ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता है। यहाँ जो भी आज हमने डिस्कस किया है ये अगर आपको आ गया है, इतनी चीजें आ गई हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अब कर लेते हैं तो उसके बाद आपका कोई भी प्रश्न, एक दो प्रश्न जो भी यहाँ से आते हैं, दो प्रश्न से ज्यादा नहीं आएंगे तो वो आपका गलत नहीं होगा, बिकॉज इसी में से आएंगे। ठीक है, तो दीज आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन। फर्स्ट है कि प्रोसीजरल नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर इज। प्रोसीजरल नॉलेज क्या है, फॉर्म की बात हम कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड अप्लाई कर रहे हैं लिमिटेड प्रैक्टिस में। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म फंक्शन इन यूज एंड अप्लाई सेम।
लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर इन ऑर्डर टू रिप्लेस इट लेटर, या फिर अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड इन अ ग्रामर बुक. तो आपको प्रोसीजरल बताना है जो प्रोसेस पे फोकस कर रहा है. और प्रोसेस की बात हमने कहाँ की थी, जहां हमने किसी फॉर्म को समझा, कोई हमने रूल को समझा है, किसी स्ट्रक्चर को समझा है, एंड नाउ वी आर अप्लाइंग इन आर डे टू डे लाइफ और इन आर डेली यूसेज. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है डेक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर इज. तो यहां पे आप देख लीजिए, नॉलेज अबाउट द फॉर्म, डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म फंक्शंस इन यूज. तो ये आपका प्रोसीजरल है, अभी हमने क्वेश्चन किया, तो ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं. अप्लाई यूजिंग द फॉर्म इन क्रिएटिव राइटिंग, तो डे टू डे पर्पज में क्रिएटिव राइटिंग में प्रोसीजरल होता है, ये भी आपका प्रोसीजरल है. और मास्टरिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड अप्लाई इन रियल कम्युनिकेशन, तो रियल कम्युनिकेशन भी आपका किसमें आता है, प्रोसीजरल में आता है. आंसर हो जाएगा डिक्लेरेटिव किसकी बात करता है, केवल थियोरेटिकल एस्पेक्ट की बात करता है, केवल आप फॉर्म की बात कर रहे हैं जो आप लिमिटेड प्रैक्टिस में सीख रहे हैं. यानी कुछ स्ट्रक्चर्ड आपका प्रैक्टिस है जिसमें आप ग्रामर के जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है उसको यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द फॉर्म, डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाई इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस. लिमिटेड प्रैक्टिस में ग्रामर के फॉर्म को अप्लाई करना, रूल को अप्लाई करना किसमें आ जाएगा, आपके डेक्लेरेटिव नॉलेज में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है डेक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू, क्या होता है, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट होगा, हाउ टू यूज, नोइंग टू यूज अ डिक्शनरी, रूल्स, या फिर हाउ टू डू. तो आंसर हो जाएगा रूल्स ऑफ ग्रामर. ठीक है, अगर हम हाउ टू डू की बात करें तो ये आपका किसमें आ जाएगा, प्रोसीजरल में आ जाएगा. प्रोसीजरल ग्रामर बात करता है हाउ टू डू समथिंग. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजरल नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर इज नोन एज, तो एनालिसिस वंस एरर्स, ये होगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स एंड अप्लाई द सेम. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एम्फसाइजेस ऑन द टारगेट लैंग्वेज, डे टू डे यूजेस ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज या एरर्स ऑफ लैंग्वेज. तो आंसर हो जाएगा इसका बी, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर फोकसेस ऑन द डे टू डे यूसेज, यानी फंक्शनल जो एक तरीका है उस पे फोकस ये करता है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ग्रामर एम्फसाइजेस ऑन, स्ट्रक्चरल ग्रामर सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पे. हम यहां पे क्या सिखाते हैं, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा सिखाते हैं. द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज, कहां पे रोल होता है ग्रामर का, एक्सप्रेशन इन लिसनिंग स्पीकिंग, एक्सप्रेशन इन स्पीकिंग ओनली, राइटिंग ओनली, या फॉर करेक्ट एक्सप्रेशन इन स्पीकिंग एंड राइटिंग. तो देखो, जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं सबसे ज्यादा ग्रामर का रोल क्या है, करेक्ट एक्सप्रेशन में, यानी एक्यूरेसी की बात ये करता है. जब हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं यानी हम किसी चीज की सटीकता की बात कर रहे हैं, कोई चीज कितनी सही है. तो अगर मुझे अच्छे से बोलना है या अगर मुझे लिखना है, यानी मुझे दोनों ही प्रोडक्टिव स्किल्स को यूज करना है, तो प्रोडक्टिव स्किल्स को अच्छे से उपयोग करने के लिए मुझे ग्रामर सीखने की बहुत जरूरत है, जिससे कि मैं सही सही बात को कह सकूं और लिख सकूं. तो इसीलिए करेक्ट एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, ग्रामर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ही होता है, और इट फोकसेस ऑन द एक्यूरेसी एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज. नेक्स्ट है ग्रामर लैंग्वेज डील्स विद, ग्रामर की जो लैंग्वेज होती है वो किससे डील करेगी, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स, या फिर ऑल. तो देखो, ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो सभी चीजों से डील कर सकती है. ऐसा नहीं है कि फोनोलॉजी को आप हटा देंगे, मोर्फोलॉजी भी जरूरी है, आपका वर्ड बहुत जरूरी है, कौन सा वर्ड आप यूज कर रहे हैं, सिंटेक्स, यानी सिंटेक्स का मतलब होता है सेंटेंस के फॉर्मेशन, यानी एक सेंटेंस कैसे बना है, हाउ अ वर्ड इज कंबाइंड टू फ्रेज और फ्रेज कंबाइंड टू जॉइन सेंटेंसेस, उसकी स्टडी को हम सिंटेक्स बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ रूल जो है, बेसिकली रूल की बात हम सिंटेक्स में करते हैं. तो उसमें हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे. नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर एम्फसाइजेस, ट्रेडिशनल जो पुराना पारंपरिक विधि है ग्रामर को सिखाने की, तो वेरियस रूल पे फोकस करेंगे, डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, या दोनों पे करेंगे. तो ट्रेडिशनल में हम इन दोनों तरीकों पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ ग्रामर आइटम्स आर गिवन, देन द रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर इज कॉल्ड. अब एग्जाम्पल दे दिया गया पहले, एंड देन द रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर.
तो अगर पहले हम वहां पे उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं, देन वी आर प्रोवाइडिंग देम रूल्स. सो दिस मेथड इज इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. ठीक है, आंसर हो जाएगा इंडक्टिव. नेक्स्ट है, ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली वाइल टीचिंग द टेक्स्ट प्रोज और पोएट्री. अगर हम यहाँ पे कोई भी ग्रामर को इंसिडेंटली सिखा रहे हैं, तो इंसिडेंटली ग्रामर को सिखाना विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्स्ट और प्रोज और पोएट्री, तो ये आपका क्या था, को रिलेशनल मेथड. ठीक है, को रिलेटेड मेथड यानी को रिलेशनल रेफरेंस मेथड भी इसको हम कह सकते हैं, इंसिडेंटल मेथड भी इसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स अ लैंग्वेज टीचर शुड. अगर मुझे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को सिखाना है तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो देख लो कहाँ पे सबसे पॉजिटिव वर्ड है, एंड प्रोवाइड रिच रिटन मटेरियल एंड लेट द स्टूडेंट्स डिस्कवर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, प्रोवाइड एक्सटेंसिव ग्रामेटिकल एक्सरसाइज, तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है. आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, बिल्कुल भी नहीं होगा. असाइनमेंट दे देना, ये भी बहुत अच्छा नहीं है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन. अगर मुझे बहुत सारे स्ट्रक्चर सिखाने, मैं उनको रिटन मटेरियल रिच एक प्रोवाइड कर सकती हूँ, एंड देन उनको मैं डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को खुद डिस्कवर करने के लिए बोल सकती हूँ. नेक्स्ट है, ग्रामर शुड बी टॉट बाय, कैसे सिखाया जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ में भाषा को उपयोग कराने में हम फोकस करके ग्रामर को सिखाते हैं. नेक्स्ट है, ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न्ड थ्रू, कैसे हम सीख सकते हैं ग्रामर को, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेपरेटली तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मेमोराइज भी नहीं होगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच बहुत अच्छा नहीं है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन. हम इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, एकीकरण करवा सकते हैं टेक्स्ट का फॉर्म से. ठीक है, नोटिस करवा सकते हैं फॉर्म को नोटिस कराना, यानी हम कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करने पे फोकस करा रहे हैं, यूज पे फोकस करा रहे हैं, या हम उनको नोटिस करने के लिए बोल रहे हैं. सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन विच वी कैन मेक देम लर्न अबाउट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वॉज, कौन थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी फ्राइज. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद रियल लाइफ सिचुएशंस. रियल लाइफ से कंसर्न्ड कौन सा ग्रामर सबसे ज्यादा होता है, तो फंक्शनल ग्रामर की हमने बात की है. फंक्शनल ग्रामर इज रिलेटेड टू योर कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम रियल लाइफ भी बोल सकते हैं. स्ट्रक्चरल होता नहीं है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी नहीं होगा, फॉर्मल ग्रामर भी नहीं होगा. ओके, सो गाइज, यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट. आशा करती हूँ कि आज की क्लास जो है, जो सीटेट के लिए है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ होगा, एंड आज के वीडियो में सारा आपको क्लैरिटी हो गई होगी अबाउट दिस टॉपिक. सो इन केस इफ यू स्टिल हैव डाउट्स, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड आप मुझसे जुड़ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं फॉर योर नोट्स. You can subscribe to my channel. You can also join to Instagram, जहाँ पे मैं जो भी updates हैं वो वहाँ पे provide करती हूँ, तो you can join that too. Okay? And कोई भी feedback है तो feel free to give me. And thank you so much for watching this class. And playlist पूरा इसका बना हुआ है, you can check out this playlist. And इसको आप शेयर करिए. And next video में बहुत जल्दी मिलेंगे. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ.